हेलो एवरीवन, आप सभी को 15 ब्लॉक में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज शिलोंग और मेरे साथ है यहाँ पे सचेत, रिकू, दिलीप, सीता। तो दिलीप का कुछ काम था शिलोंग में, तो इसके लिए हम लोग निकल पड़े उसके साथ ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं दे पा रही थी। तो इसके लिए सोचा कि कुछ अच्छा सा एक वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर रिकू मेरे साथ बैठ के यहाँ पर कर रहे थे ड्रॉइंग। फिलहाल अभी मैं एंट्री कर रही हूँ बोरा पानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में जो लेक है इसका नाम है उमियम लेक। ये लेक क्रॉस करने के बाद ही हम लोग शिलोंग एंट्री कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिज का काम चालू था, तो इसके लिए थोड़ा सा रास्ते में हमें भीड़ मिला, ट्रैफिक जाम मिला थोड़ा सा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं शिलोंग, और शिलोंग में पहुंचने के बाद ही हम लोगों ने गाड़ी से उतर के थोड़ा चल के आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम था और दिलीप का भी कुछ अलग साइड पे ही काम था उसका। तो इसके लिए हम लोग उतर के बोले कि हम लोग थोड़ा सा पैदल चलते हैं, और आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कितना भीड़ है रास्ता। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पुलिस बाज़ार। तो पुलिस बाज़ार में पहुँच के हम लोग कुछ खाने के लिए निकले हैं पहले। पहले पहन के दिखाओ सर पे ने। तो यहाँ पे जैसे रास्ते में मैंने फ्रेश फ्रेश एप्पल देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, तो यहाँ पे मैंने एप्पल भी ले लिया। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ का ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश एप्पल, मतलब देख के ही मुंह में पानी आ रहे थे पूरा। यहाँ पे पुलिस बाज़ार में हम लोग आ गए लंच करने के लिए पहले। तो मेरे साथ है यहाँ पे ओबिया, और यहाँ पे है सीता, फिर यहाँ पे मेरे साथ है तीन बच्चे, यशिका, रिकू, सचित। और फिलहाल आगे हमारे लंच, तो जल्दी जल्दी लंच करके हम लोग अभी यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि हमें भी और भी जगह जाना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले ही पार्क पे खाना वाना खा के। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं वर्ड्स लेक पे, और यहाँ पे है पर पर्सन 20 रुपीज़ करके है। तो टिकट लेके हम लोग चले गए अंदर, क्योंकि सीढ़ी के नीचे थोड़ा जाना पड़ेगा उतर के। पहुंच गए हमें पार्क, वेस्टलैंड पार्क। और ये पार्क घूमने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो लेने के लिए ट्राई करूँगी और आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, और ये सारे पैरों में बहुत ही सुंदर सा एक पिंक कलर का फूल उगते हैं। साथ में ही बहुत ही सुंदर से ये पार्क को सजाते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करने आते हैं। और मेरे पीछे ही देख सकते हैं आप लोग ये लेक, इस लेक को भी सजाते हैं, यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी करवाते हैं। और बोटिंग के लिए यहाँ पर लेते हैं पर पर्सन 50 रुपीज़ करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से ही आपको टिकट भी मिल जाएगा, अंदर ही लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मेरा और सीता का फोटो चालू हो गया कि आए हैं, तो कुछ फ़ोटो क्लिक करके जाते हैं अपलोड अपलोड करने के लिए। फिर यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोगों ने फ़ोटो शूट करके फिर हम लोग निकल पड़े शिलोंग के कैथेड्रियल चर्च में, जो ब्लू कलर का है। और शिलोंग में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहीं आते हैं इसे चर्च को देखने के लिए, ऊपर का व्यू देखने। फिलहाल मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर से भी मैं आप लोगों को नीचे का व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू आते हैं ऊपर से। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सामने भी ये है स्कूल, तो इसको बना रहे हैं अभी अच्छे से। रिकू को दिखाओ, मैं और रिकू आ गए अम्ब्रेले के अंदर, है ना रिकू? बिना, अच्छा टेन हाउस, तो बिना बारिश के हम दोनों ही हैं अभी अम्ब्रेले के अंदर। और ये रिकू बोल रहा है कि उसका ये टेंट हाउस है।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर गुवाहाटी के लिए। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे से जितना हो सके उतना मैंने आप लोगों को दिखाने की ट्राई की है। फिर मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। बाय।